नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के रतलाम में स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बता दें, सूचना पर नगर निगम सहित आसपास के क्षेत्रों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। घटना इंडस्ट्रियल एरिया स्थित श्री कंचन प्लास्टिक फैक्ट्री की है। बता दें कि बुधवार अल सुबह यहां अचानक से आग लगी तो भगदड़ मच गई। लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे कंट्रोल करने के लिए रतलाम के अलावा इपका, नामली, धामनोद और सैलाना से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजनी पड़ गई। कुल 20 गाड़ियां आग को बुझाने में जुट गई। फिर 7 घंटे बाद भीषण आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री के पास बना एक मकान भी आग की चपेट में आ गया है। बता दें कि प्रशासन की टीम ने घर खाली करवा दिया है। आग को बुझाने के लिए जेसीबी से फैक्ट्री की एक साइड की दीवार तोड़नी पड़ गई। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट आग लगना बताया जा रहा है। बता दें, अधिकारियों की माने तो प्लास्टिक फैक्ट्री में सुबह करीब 5:30 बजे नगर निगम के फायर कंट्रोल को भीषण आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर 4 लॉरी अमले के साथ पहुंची। वहीं प्लास्टिक में लगी भीषण आग की लपटों को भापते हुए इपका कंपनी के अलावा नामली, धामनौद और सैलाना से भी दमकल कर्मियों को भेजना पड़ा। बता दें, कलेक्टर भास्कर लक्षकार और एसपी राहुल लोढ़ा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। गनीमत ये रही कि आगजनी की इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।